तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे साथ हमारे दोस्त आ चुके हैं। जब हम दोनों चैनल स्टार्ट किए थे जीरो से चैनल स्टार्ट किए थे और आज भाई के चैनल पर 1500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए, लगभग 2000 होने वाला है और हमारा भी 4000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है आज के दिन। और दोनों लोग साथ में स्टार्ट किए थे और मैंने बोला था कि भाई अगर हमारे चैनल पर 4000 सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उसी दोस्त से मिलूंगा जिन्होंने हमें बताया था कि YouTube के बारे में, YouTube से पैसा भी कमाया जाता है। और आज फाइनली भाई से मिल चुके हैं और फिर से दोबारा मिले हैं। जब हम दोनों स्टार्ट किए थे चैनल ना, तो यूट्यूब के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था, तब भाई ने मुझे बताया। मुझे इसके लिए भाई थैंक यू सो मच भाई कि आपने, बड़ा अच्छा लगा कि भाई आपने अगर नहीं बताए होते तो आज शायद हमारे चैनल पर 4000 की यूट्यूब फैमिली ना होता और आज मैं इस लाइन पर नहीं आते। आप देख सकते हैं मैं अभी प्रतापगढ़ जंक्शन पर हूँ, आप सर दिखा दीजिए, आप देख सकते हैं ये प्रतापगढ़ जंक्शन है। और जाते वक्त भाई ने बोला कि आप ज़रूर हमसे मिल के जाइएगा, तो इसलिए मैं स्टेशन पे खड़ा हूँ। और भाई का चैनल है जो कि 1500 सब्सक्राइबर है, पर भाई का पैसा आना स्टार्ट हो चुका है। हमारे चैनल पर भी पैसा आता था पर कुछ कारण की वजह से, आपको पता है टेकडरी में भाई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहता है जिसके वजह से पैसा नहीं आ रहा है। पर भाई का जो चैनल है, चैनल पर पैसा आना स्टार्ट हो चुका है। और भाई आप अपना नाम बता दीजिए, क्योंकि भाई यार नाम सुनना चाहते हैं कि यार कैसे भाई एक दोस्त कैसा हेल्प किया था कि आज दोनों लोग मतलब एक यूट्यूबर से मिले हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है। तो भाई आप पहले अपना नाम बता दीजिए और क्या चैनल पर क्या काम करते हैं अपने। तो भाई मेरा नाम अमन मौर्य है और मेरा चैनल का नाम है अमन मौर्य कॉमेडी। अपना जिसे एक चैनल बना लिए, मेरा जैसे हमारा भी ब्लॉग चैनल था, आपका भी ब्लॉग चैनल था, तो उस टाइम क्या हुआ कि दोनों लोग हम सब चैनल पे ब्लॉग ही वीडियो बनाते थे, तो आपको वहाँ पे मतलब ग्रोथ मिला। भाई पहले ये होता है ना कि ब्लॉगिंग के लिए थोड़ा नॉलेज चाहिए होता है कि कैसे बनाए ब्लॉगिंग, और उसके ब्लॉग के बारे में हमको नॉलेज था नहीं। हाँ, इसीलिए वहाँ पे थोड़ा सक्सेस कम लिया। लेकिन ना तो भाई को पता था ब्लॉग के बारे में, कैसे वीडियो बनाना, कैसे कैमरा बनाना, कैसे कैमरा पकड़ना, कैसे कैमरे के सामने फेस क्रिएट करना, कुछ भी नहीं पता था। बस एक जिद थी यार, दूसरों का देखा, बस यूट्यूब मोबाइल खोले, हेलो दोस्तों करने लगे। जब उस वीडियो से, उस प्लेटफॉर्म से हमें, हम लोग को सक्सेस नहीं मिला ना, तो दोनों लोग चेंज कर दिए। भाई अपना यहाँ पे कॉमेडी वीडियो बनाने लगा और हम टेक कॉमेडी वीडियो बनाने लगे और भाई यूट्यूब से पैसा भी कमाने लगे हैं। थोड़ा बहुत अभी स्टार्ट हो चुका है, आने वाले टाइम पे कुछ ना कुछ पैसा और अच्छा खासा अर्निंग करेंगे। तो भाई आप बताइए किस कैटेगरी, मतलब कैसे आप वीडियो बनाते हैं, आप जो कॉमेडी वीडियो बनाते हैं कैसा होता है, आपका पर्पज उसमें दिखाने का क्या होता है? तो भाई उसमें जो हम लोग कॉमेडी लोग बनाते हैं, हम लोग उसमें सिर्फ यही रहता है हमारा कि पब्लिक को कैसे हंसा सकते हैं, हम किस प्रकार से पब्लिक का मनोरंजन कर सकते हैं। जैसे पब्लिक आती है, अपने जो बिजनेस लोग हैं, मैंने या फिर कोई भी है, जैसे काम करके आते हैं और थक जाते हैं, हाँ। तो लोगों को इंटरटेनमेंट चाहिए होता है थोड़ा बहुत, तो हम लोग लोगों को हंसाने वाला काम करते हैं। पूरा फुल कैरिम नाटी भाई, कैरिम नाटी फेल कर दिए हैं। और गांव में, जंगल में जहाँ भी जाते हैं, बुढ़ावा उड़ावा सब मिल जाती और हो, मतलब किस तरीके से बनाते हैं यार, काफ़ी अच्छा वीडियो लगता है। मैंने देखा है क्योंकि भाई हम लोग तो दोस्त ही हैं, तो जो भी कमी रहता है भाई हमें बताते हैं हमारे वीडियो में। अभी जैसे मिले बोले कि भाई आप अपना वो वाला जो न्यू अपडेट आया वीडियो बनाया कि नहीं, हमने बोला कि भाई हाँ बना के डाल दिए। और जो भी अपडेट आता है तो भाई मुझे बता देते हैं, जो पता चल जाता है। और जो हमारे जैसे हम लोग का क्या होता है कि कैटेगरी अलग अलग रहता है, तो कुछ भी अपडेट आता है तो भाई के थ्रू हमें बता देते हैं और हम भी कुछ बता देते हैं, जिससे वजह से क्या होता है कि एक यूट्यूबर से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता है, हेल्प हो जाती है एक दोनों की। तो भाई आप क्या कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस कि मतलब YouTube पर आते ही मतलब दूसरों देखकर अपने चैनल पर काम करना चाहिए कि अपना कुछ पर्पज हो, ठीक है? क्योंकि स्टार्टिंग में तो सब कुछ सीख के आते नहीं, तो क्या करना चाहिए? तो भाई सबसे पहले तो हमें खुद से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को देख के चलेंगे तो हम आगे नहीं जा पाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई जो बड़े बड़े छोटे छोटे यूट्यूबर रहते हैं, जो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं ना, डायरेक्ट पहले मनोज देखो टारगेट कर लेते हैं। हाँ, टेक्निकल योगी के टारगेट कर लेते हैं जो टेक कैटेगरी में आते हैं, बट अबे उन्हें ये नहीं पता कि यार भाई वो लोग यहाँ पे 2016 से काम कर रहे हैं, उन्हें 8 साल का एक्सपीरियंस होता है और अभी हम लोग तो कैमरा पकड़े हैं आज, तो हम लोग को बोलना भी नहीं आता, तो कहाँ से हम उनका टारगेट कर पाएंगे? तो अब फिर उसके बाद उनका 2 दिन टारगेट किए, फिर तीसरे दिन क्या होगा कि भाई यार वो अच्छा वीडियो बना रहे हम नहीं बना पा रहे, लोग हमें क्या सोचेंगे हमारे बारे में, तो इसलिए चैनल छोड़ देते हैं। तो क्या करना चाहिए भाई, आप बताइए, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हमसे ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस है। देखिए भाई, सबसे पहले तो हमें चैनल स्टार्ट करने के बाद कम से कम यूट्यूब पे हमें 1 साल लगता है, हमें 1 साल यूट्यूब पे पार्ट टाइम काम करना चाहिए, डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए, समझना चाहिए यूट्यूब क्या है, यूट्यूब को समझ, उसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा लर्निंग करना पड़ता है उसके लिए। अगर आप सोचेंगे कि हम एक दिन में बना लें और एक दिन में करोड़पति बने, ऐसा नहीं हो सकता है। यूट्यूब पे आपको पहले थोड़ा थोड़ा करके सीखना पड़ेगा, नहीं तो पहले लोग कैमरा उठाते हैं हेलो दोस्तों वेलकम टू सबर कराई करते रह जाते हैं, वहाँ पे सब्सक्राइब सही नहीं बोल पाते हैं, बोलेंगे भाई यूट्यूबर बन गए हम, ऐसा थोड़ी होता है।
YouTube पर मेहनत करना पड़ता है और एक भाई को एक वीडियो शूट करने में यहाँ पे 8-8 घंटा लग जाता है, क्योंकि भाई एक कॉमेडी वीडियो आसान नहीं होता है, क्योंकि मुझे पता है कि भाई यार कितना मेहनत करते हैं। जब हम भाई का एक बार वीडियो बनाना शूट करने गए थे और भी दोपहर में, भाई 8-8 घंटा लग गया था, मैं तो परेशान हो गया था भाई भाई के साथ जाके। उसके बाद हमारा क्या होता है, हम तो भाई कुछ भी बोल दिए, कोई अपडेट आए बता देते, पर यार जो यहाँ पे भाई का जो चैनल है ना भाई, तो कॉमेडी वाला, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो एक बार ज़रूर आप लोग जाइए चेक कीजिए कैसा वीडियो बनाते हैं। अगर आप भी इस कैटेगरी में काम करना चाहते हैं तो आप लोग जरूर कीजिए, क्योंकि भाई आप अगर आप एक ही चैनल पर काम कर रहे हैं उस पर सक्सेस नहीं मिल रहा है तो आप लोग चैनल चेंज कर दीजिए, कैटेगरी चेंज कर दीजिए, क्योंकि भाई आपको यहाँ पे YouTube पर पैसा थोड़े ना लग रहा है। नहीं भाई, पहली चीज़ तो ये होता है YouTube में अगर जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उस चीज़ का आप वीडियो बनाइए। हाँ, कैटेगरी चेंज करने कोई मतलब नहीं होता। पर जैसे भाई जैसे कि हम क्या कर रहे हैं कि जैसे हम मान लो कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, हमें उसमें सक्सेस नहीं मिल रहा है तो हम दूसरा चैनल प्लेटफॉर्म ना देखें। लेकिन भाई जैसे आपको इंटरेस्ट, जैसे आपको जिस चीज़ में लगता है कि हम जिस चीज़ को कर सकते हैं, जैसे हमको लगता है आप कॉमेडी कर सकते हैं, आपको लगता है आप टेक्निकल कर सकते हैं, ठीक है, गुरुजी वीडियो बना रहे हैं, इनको लगता है कि पढ़ा सकते हैं, तो उसी क्षेत्र में काम करिए ना आप। आपको लगता है कि डांस कर लेंगे हम और डांस नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है पढ़ा सकते हैं, पढ़ाइए आप। मतलब जिस क्षेत्र में आप काम करते हो उस क्षेत्र में काम कीजिए ना। पर ये तो भी हो सकता है कि जैसे हम टेक्निकल वीडियो बना रहे हैं उस पर हमें 50 व्यूज आ रहा है, अगर हम किसी के पास सपोर्ट करने जा रहे हैं उस पर 100 व्यूज आ रहा है, तो हमें किस पर काम करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं था भाई। देखिए, जब तक पब्लिक आपको कुछ यूनिक आपके अंदर नहीं देखेगी तब तक आपको पसंद नहीं करेगी वो। जब तक आप कुछ अच्छा उनको नहीं दिखाएंगे, उनको अच्छे से मतलब बताएंगे नहीं, तब तक वो आपके पास नहीं आएंगे। जैसे आप लोग देखते हैं कि हाँ बस बड़े बड़े यूट्यूबर बन गए हैं, बस पैसा आता है उनका, इसका मतलब ये नहीं है। आप समझ सकते हैं भाई के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि यूट्यूब पर यहाँ पे साल भर से काम कर रहे हैं, हम भी साल भर से काम कर रहे हैं, तो एक्सपीरियंस है भाई के। तो भाई किसी को देख के यूट्यूब पर मत आइए, मतलब आइए पहले सीखिए उनसे, फिर उसके बाद आप चैनल बनाइए, अपने चैनल से आप पहले बोलना सीखिए, फिर धीरे धीरे जाके पब्लिक में वीडियो बनाइए, तब जाके कुछ इम्प्रूव होगा। आइए मत देखिए भैया वो टेक चला रहे हैं तो हम भी टेक बनाएंगे, बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। अगर देखो भाई, हम दोनों जब ब्लॉग करने की चैनल बनाया था ना भाई, तो अगर वो एक चैनल अपना जैसे कॉमेडी अगर न चेंज करते कैटेगरी, आज सक्सेस मिलता है? अब अभी तक चैनल मोनेटाइज होता है? नहीं हो पाता। अगर हम भी ब्लॉग वीडियो बनाते हैं तो शायद अभी 400-500 सब्सक्राइबर अटके रहते हैं। देखिए, ब्लॉगिंग आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप ट्रैवलिंग कीजिए तो उसके पास पैसा होना चाहिए, या फिर आप फैमिली ब्लॉग बनाइए। आप फैमिली वाले सामने बोल नहीं सकते हैं, आप घर से कहीं जा नहीं सकते हैं। हाँ, तो दोनों कंडीशन है ना भाई, दोनों प्रॉब्लम हो सकता है। दोनों में पैसा लगेगा, फैमिली पैसा नहीं लगेगा, पर वहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि भाई ये क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे। तो भाई अगर आप लोग देखिए, आप लोग अगर जिस भी कैटेगरी में आपको मन करता है आप उसी कैटेगरी में काम कीजिए, ठीक है, दूसरों के देखकर काम मत कीजिए, क्योंकि भाई दूसरों के देखकर काम करेंगे तो आपको जरूर बता रहा हूँ कभी भी YouTube पर सफलता नहीं मिलेगा। जो आपका इंटरेस्ट हो आप उसी चैनल पर काम कीजिए, और हम दोनों उसी कैटेगरी में काम कर रहे हैं जिसमें इंटरेस्ट है। तब साल आज हमारे चैनल पर 4000 सब्सक्राइबर है और भाई के चैनल पर यहाँ पर 2000 सब्सक्राइबर होने वाला है, और भाई का चैनल मोनेटाइज है और हमारा भी चैनल मोनेटाइज है, और दोनों लोग अर्निंग करने वाले हैं। आज एक साल हुआ, क्या पता अगले साल अच्छा खासा पैसा कमाने लगे, बस वीडियो वायरल होने की बात है। बस भाई मैं यही कहना चाहता हूँ कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो अगर आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कि भाई इसी तरीके से चाहिए कि आपको टेक कैटेगरी के वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट करिए। आपको नॉलेज चाहिए उस चीज़ के लिए आप कमेंट करिए, और आप लोग ये कमेंट करके बताना कि हमें इस तरीके से मिलकर वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, जिससे कि मैं और लोगों से मिलूं और अच्छी अच्छी बातें बताऊं मैं आपको। तो बाकी बस वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और भाई का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग जाइए एक बार प्ले कीजिए, अगर आप इंटरेस्टेड है उस कैटेगरी में काम करने लिए तो आप लोग जरूर भाई का चैनल सपोर्ट कीजिए। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।